भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। To of course beat our Manikarnika, the queen of Jhansi, or our Bagi 3 heroine. Let's duly give it up. Put your hands together if you have your mobile phones in your hand, which you obviously have. Scream, cheer, let's hear it for the very supremely talented and gorgeously one and only Ankita Lokhande. Yes, our president is honored to have a lovely queen, and I've never seen you look so beautiful. Not even in Dubai. The last time maybe was in Dubai. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure welcoming the queen herself. Across the lovely token of love, we like to present a lovely moment. And I think this is the moment you were all waiting for, to have a really impressive, wow. What a moment for us. Good evening, everyone. First of all, congratulations for having this award function tonight. And I'm really glad to be a part of this function because, you know, it's related to cancer, first of all. And I always, the moment I got to know that, you know, this is something that's coming up, I was like, I want to do it because it really, I feel that, you know, I should be a part of such thing. And यहाँ से लोग बोलते हैं जाते हैं हम लोगों ने करके दिखाया है सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कॉन्ग्रेचुलेशन आई विश यू ऑल द गुड लक थैंक यू सच ब्यूटीफुल सॉफ्ट वोकल्स यू मेक मी फील सो डिलाइट एंड वी लव यू अंकिता यू आर सच अ ब्यूटीफुल प्रेशियस फेस कैन आई जस्ट कम देयर फॉर अ पिक्चर विद हर फिर मैं आराम से अपना काम करूंगी नहीं तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा ही द पिक्चर विद हर प्लीज दिस इज माय मोमेंट Thank you. Any questions? Firstly, Ankita ji, you are looking very gorgeous. As I said, you. What would you like to say about the award night? क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो चीज़ है एक्चुअली मैं यहाँ सिर्फ एक कॉज के लिए हूँ जो कि कैंसर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस कॉज बिकॉज यहाँ इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मिस्टर एंड मिसेस साज का जो अवार्ड फंक्शन है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है सो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो आई थिंक किसी भी कॉज में यू नो आपका होना इन्वॉल्वमेंट होना और
हम लोग तो सिर्फ एज अ गेस्ट आते हैं. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो इस चीज़ को जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक होती है. वी तो जस्ट कम एंड वी यू नो हम लोग अपना जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं लेकिन जो ये क्रिएट करते हैं लोगों को बुलाते हैं इतनी सारी चीज़ें होती हैं आज लोगों की हेल्प हो जाती है कितने लोगों की हेल्प हो जाती है. सो आई थिंक हमारे इंडिया में ऐसे और लोगों की ज़रूरत है जो ये सारी चीज़ें करते हैं. आज के लुक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है आपका. लाइक बीइंग अ महाराष्ट्र गर्ल महाराष्ट्र का वोट में आके कितनी गर्व की बात हो जाती है आपके लिए? आई थिंक मराठी होना ही एक गर्व की बात है और महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो यू नो मैं इंदौर से हूँ लेकिन वहाँ पर भी मराठी लोग हैं तो मैं वहाँ के महाराष्ट्र हूँ लेकिन आई फील वेरी प्राउड टू बी अ मराठी गर्ल. एंड लुक एज यूजुअल साड़ी पहनी है और साड़ी से मुझे बहुत प्यार है इसीलिए आज ही साड़ी पहन के रहे. अंकिता जी आपके हाल ही में एक सीरीज आई है काफ़ी अमेजिंग है लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है आप क्या कहना चाहोगे उस शो को लेके? आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म और हमेशा अच्छा लगता है लोग आपके यू नो आपकी चीज़ें देखें सराहें और उसे अप्रिशिएट करें. इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर व्हाट यू हैव प्लेड. क्या कहना चाहोगे लोगों की तरफ से व्हाट सोशल मीडिया से किस तरह का रिस्पॉन्स आया आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. मुझे ऐसा लगता है मैं सच बोलूँ मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ. मुझे जब अच्छा लगता है मैं खुद अपने आप को देख के बहुत खुश होती हूँ एंड उसके ऊपर लोगों का प्यार मिल जाता है तो आपको और अच्छा लगता है और लगता है कि यू नो फॉर योर फैंस यू शुड वर्क दैट. द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस इज दैट फिल्म वाज अबाउट लव. तो विक्की सर का क्या रिस्पॉन्स था इस अभी अभी विक्की ने देखी नहीं है क्योंकि विक्की अभी तक आए नहीं है मुंबई लेकिन वो साथ में देखने का उन्होंने प्रॉमिस किया है. सो जैसे ही वो आएंगे तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखनी है. एंड व्हाट अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं? मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है वीर सावरकर जो कि रणदीप हुड्डा के साथ है सो दैट विल बी आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले एंड आई रियली होप लोगों को मेरा काम अच्छा. काफी लोग वेट कर रहे हैं स्पेशली रणदीप का फर्स्ट लुक के बाद. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर रोल इन दैट फिल्म? वो आपको देख के पता चलेगा. थैंक यू सो मच. उसका ऐसे था कि महाराष्ट्र का रहो तो मुझे महाराष्ट्र की मूवी चाहिए तो महाराष्ट्र की मूवी आपकी जिनको मुझे लाना था और आप आए था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. यस थैंक यू सो मच. तो ये मराठी मूवी यहाँ पे आई है काफ़ी खुशी हो रही है महाराष्ट्र है तो मराठी की मूवी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सोशल में आया और अंकिता जी का नाम आया तो क्या कुछ उनको ही क्यों चुना क्या कहना चाहेंगे इसके? ऐसे एक तो ऐसे था कि मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र करना है मेरा एक था कि एक सोशल कॉज था कि कैंसर पेशेंट्स को भी ऐसे था कि एक वॉक मिले उनको. वो मतलब एक मन में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कर नहीं पाते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था और कैंसर्स के लिए जो कॉज रखा गया है तो उनको लाके एक वॉक दिया उनका क्राउनिंग हुआ. और मैंने पहले ही बोला है कि जो महाराष्ट्र की मुर्गी मुझे चाहिए थी अंकिता लोखंडे इसलिए मैंने उनको. थैंक यू सो मच. क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब साज इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का जब मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 ये जब हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया वो टाइम पे सेलिब्रिटी गेस्ट किसको लाना ये जो सवाल आया था तो हम तीनों का म्यूचुअल एक ही नाम आया था वो टाइम पे कि अंकिता लोखंडे. काफ़ी हमें लगा कि वो महाराष्ट्रियन है मराठी है और हम चाहेंगे कि वो और आगे बढ़े. हमारी दुआ हमारा प्यार हमारा हमेशा आपके साथ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू रियली. सूरज ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे मिस और मिसेस कैटेगरी से दो कैटेगरीज के नहीं सिर्फ महाराष्ट्र से है क्योंकि मिस और मिसेस महाराष्ट्र है तो लेकिन महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र से विदर्भ से है मराठवाड़ा से है पश्चिम महाराष्ट्र से है मुंबई से है तो पूरे महाराष्ट्र से कंटेस्टेंट्स यहाँ से आए मिस और मिसेस कैटेगरी दोनों. तो
मैं भी कब से वेट कर रही थी, मैं कब जा रही हूँ। पीछे उतरो।